हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ आपको भारत दर्शन पार्क, जो कि पंजाबी बाग दिल्ली में सिचुएटेड है। इस वीडियो में यहाँ के 21 स्मारकों का विजिट कराने के साथ साथ आप यहाँ पर कैसे पहुँच सकते हैं, नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन कौन सा है, क्या टिकट प्राइस और टाइमिंग है यहाँ पर आने के लिए, और 100 रुपीज़ का टिकट्स किस टाइम होता है और 150 का टिकट्स किस टाइम होता है, पार्किंग की क्या फैसिलिटीज़ है, इन सब के बारे में डिटेल में जानकारी आपको मिलने वाली है। आई एम श्योर इस वीडियो को बात करने के बाद में आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी भारत दर्शन पार्क से रिलेटेड। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट और भारत दर्शन पार्क के 21 मॉन्यूमेंट की जर्नी स्टार्ट करते हैं। भारत दर्शन पार्क में आप अलग अलग स्टेट्स के फेमस मॉन्यूमेंट को एक ही प्लेस पर देख सकते हैं। ये सभी मॉन्यूमेंट स्क्रैप यानी कबाड़ से बनाए गए हैं, जिनमें नट बोल्ट, साइकिल पार्ट्स, एंगल एंड आयरन रॉड्स, स्टोन्स और स्प्रिंग्स का यूज कर इन मॉन्यूमेंट को बेहद ही खूबसूरती से बनाया गया है। भारत दर्शन पार्क के फेमस मॉन्यूमेंट में गेटवे ऑफ इंडिया, जो कि मुंबई में है, कुतुब मीनार, ताजमहल और हवा महल आपको देखने के लिए मिल जाएगा। साथ में यहाँ पर काफ़ी सारे फेमस मंदिरों का भी टेम्पलेट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसमें बद्रीनाथ टेम्पल, द्वारकाधीश टेम्पल, दीप स्तंभ और रामेश्वरम टेम्पल भी यहाँ के काफ़ी फेमस हैं। भारत दर्शन पार्क के अंदर आपको कैफेटेरिया यानी फूड कोर्ट भी देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि रेड फोर्ट की शेप का बना हुआ है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस इस चैनल पर आपको ट्रैवलिंग और इवेंट्स से रिलेटेड मिलते रहते हैं। अगर आप बाई मेट्रो यहाँ पर आ रहे हैं तो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन पंजाबी बाग वेस्ट आपको देखने के लिए मिल जाएगा, और वहाँ से अप्रॉक्स 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पर आप भारत दर्शन पार्क पहुँच जाएंगे। और अगर आप अपनी कन्वेंस से आ रहे हैं तो पार्किंग भी रोड के पास ही आपको देखने के लिए मिल जाएगी, जिसका आवरली बेसिस पर चार्जेस लिया जाता है। भारत दर्शन पार्क के अंदर कैमरास और DSLR अलाउड नहीं है, तो आप इन सब चीज़ों को अंदर नहीं ले जा सकते हैं। और आप सामने देख पा रहे हैं, ये यहाँ का टिकट्स काउंटर है, तो यहाँ से टिकट्स लेने के बाद में आप अंदर जा सकते हैं। टिकट्स की जो अमाउंट है वो 100 और 150 रुपीज़ का होने वाला है। जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, मंडे को भारत दर्शन पार्क क्लोज्ड रहता है, तो आप मंडे को आना अवॉइड करें। और मैं यहाँ के टिकट्स की बात करूँ तो टिकट्स 4 आवर्स के लिए ही वैलिड रहते हैं। अगर 4 आवर्स से ज़्यादा टाइम आपने स्पेंड किया तो टिकट्स आपको फिर से दोबारा लेना पड़ेगा। और अभी ये जो आप सामने मॉन्यूमेंट देख पा रहे हैं, 21 मॉन्यूमेंट्स को आप यहाँ पर विजिट कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले तवांग गेट है और सबसे पहले ही आपको वो गेट देखने के लिए मिल जाएगा। तो इस सामने आप देख पा रहे हैं, ये यहाँ का टिकट्स काउंटर है और यहाँ से आप टिकट्स लेने के बाद में फिर अंदर जा सकते हैं। तो इस साइड में भी टिकट्स काउंटर आपको देखने के लिए मिल जाएगा और इस साइड में भी टिकट्स काउंटर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ से आप टिकट्स वगैरह लेकर और फिर अंदर जा सकते हैं। तो 4 काउंटर यहाँ पर बने हुए हैं और ऊपर साफ साफ लिखा हुआ है कि मंडे को ये क्लोज रहता है। सामने जो आप देख पा रहे हैं, ये है भारत दर्शन पार्क का मेन एंट्री गेट, और इसके सामने ही आपको पार्किंग देखने के लिए मिल जाएगी। यहाँ पर कार्स की पार्किंग और इस साइड में बाइक की पार्किंग आपको देखने के लिए मिल जाएगी, जिसका आवरली बेसिस पर चार्ज लिया जाता है। और यहाँ पर अपनी गाड़ी या बाइक को आप पार्क कर सकर देन अंदर के साइड में एंट्री कर सकते हैं। तो दोस्तों, भारत दर्शन पार्क के अंदर हो चुकी है हमारी एंट्री, और पीछे जो आप गेट देख पा रहे हैं, ये मेन एंट्री गेट है जहाँ से हमने एंट्री करा था। हमने 5 बजे एंट्री किया है, तो हमें जो टिकट्स है वो 100 रुपीज़ का पड़ा है। अगर आप 5:30 के बाद एंट्री करते हैं तो वो टिकट आपको 150 का पड़ने वाला है। इट मीन्स 50 रुपीज़ आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो प्लान करिए कि आप 5:30 से पहले एंट्री करें और 50 रुपीज़ का बेनिफिट लें। तो अभी आगे जो पीछे की साइड में आप देख पा रहे हैं, गेटवे ऑफ इंडिया है, और यहाँ से को एक्सप्लोर करते हैं, फिर आगे की जो जर्नी है आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों, अभी हम यहाँ के सेकंड मॉन्यूमेंट पर आ चुके हैं, जो मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, गेटवे ऑफ इंडिया। और गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई की शान है, और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता देना चाहूँगा। ये कम्प्लीटली स्क्रैप से बना हुआ है। किन किन स्क्रैप से बना हुआ है और कब ये बनाया गया था, सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिलने वाली हैं। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई स्थित एक प्रतिष्ठित भारतीय स्मारक है, जो 20वीं सेंचुरी में बनाया गया था, और उसमें काफ़ी सारे जो स्क्रैप मटेरियल हैं उनको यूज़ किया गया था, जिसमें कि एंगल्स और पाइप्स, साइकिल फोर्क, टायर्स, रिम्स और साइकिल टायर्स और गियर्स का यूज़ करके इसको बनाया गया था। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, गेटवे ऑफ इंडिया दिख रहा है और सारा स्क्रैप से बना हुआ है। इसी तरह की और सारे जो मॉन्यूमेंट है, 21 मॉन्यूमेंट के बारे में सभी जानकारियाँ आपको शेयर करते रहेंगे और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपको देते रहेंगे। तो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट जो मॉन्यूमेंट आप यहाँ पर देख पाएंगे वो बनियान ट्री है, और बनियान ट्री भी कम्प्लीटली स्क्रैप से बनाया हुआ है। और यहाँ पर गैस सिलेंडर, इलेक्ट्रिक पोल, इलेक्ट्रिक वायर, इस तरह के जो आइटम्स हैं इसमें यूज़ किए गए हैं, और काफ़ी खूबसूरत ये लग रहा है। चारों साइड में फुहारे लग रहे हैं और बेहद खूबसूरत यहाँ पर देखने के लिए लग रहा है। तो दोस्तों, अभी जिस मॉन्यूमेंट पर हम आ चुके हैं उसका नाम है जयपुर का हवा महल, और पीछे की साइड में आप देख रहे हैं
काफ़ी फेमस मॉन्यूमेंट है। अगर आप जयपुर जाते हैं तो हवा महल को देखना मिस ना करें। और मेरे पीछे जयपुर का हवा महल दिखाई दे रहा है, स्पेयर पार्ट्स स्क्रैप मेटल से बना हुआ है। तो जो भी डिटेल्स लेते हैं इसकी और जो सभी जानकारी है वो आपके साथ शेयर करते हैं। अभी आप देख पा रहे हैं ये जयपुर का सबसे फेमस और प्रसिद्ध मॉन्यूमेंट है। और इस साइड में आप देखेंगे तो ये नट बोल्ट्स, साइकिल पार्ट्स, एंगल आयरन रॉड, सॉकर्स और इंजन के जो पार्ट्स हैं उनसे बनाया गया है। और रात में जब लाइटिंग हो जाएगी ना तो काफ़ी ज़बरदस्त और बेहद खूबसूरत नज़ारा आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाला है। तो वेट करते हैं नाइट होने का और उसके बाद में जो रात का जो व्यू है, नाइट का जो व्यू है वो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों मेरे पीछे जो आप बैक साइड में देख पा रहे हैं ये है गोल गुंबज, और इसी के पास में ही आपको कुतुब मीनार देखने के लिए मिल जाएगी। और ये कुतुब मीनार पीछे देख पा रहे हैं आप, तो इस तरह के जो नज़ारे और व्यूज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और कुतुब मीनार के बारे में डिटेल्स और जानकारी जानने की कोशिश करते हैं। अभी जिस मॉन्यूमेंट के पास हम आ चुके हैं इसको किसी पहचान की ज़रूरत नहीं है। पीछे आप देख पा रहे हैं कुतुब मीनार दिखाई दे रही है, और अभी चलते हैं कुतुब मीनार के पास में और जानने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से मेटल का यूज़ कर कुतुब मीनार को बनाया गया है और कितनी खूबसूरत ये कुतुब मीनार लग रही है। अभी वेट कर रहे हैं कि लाइटिंग थोड़ी हो जाए, अंधेरा हो जाए, तो उसका भी व्यू हम आपको दिखाने वाले हैं। और कुतुब मीनार में क्या क्या मेटल का यूज़ किया गया है वो देखते हैं। और हाइट देखिए कितनी ज़बरदस्त हाइट लग रही है, उसी तरह ही सेम लग रही है जैसे नॉर्मल कुतुब मीनार होती है। और काफ़ी सारे लोग बाग आए हुए हैं इस टाइम पर, यहाँ पर इवनिंग के टाइम पर फ़ोटोज़ खिंचा रहे हैं, सेल्फीज़ वगैरह ले रहे हैं। और ये कुतुब मीनार का व्यू आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आप देख पाएंगे कि भाई किस तरह के क्या क्या मेटल का यूज़ किया हुआ है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो गैस कटिंग सीट्स का यूज़ किया गया है, इलेक्ट्रिक पोल का यूज़ किया गया है, एंगल्स का यूज़ किया गया है, और लोहे की जाली का भी यूज़ किया गया है, पाइप्स का यूज़ किया गया है, और यहाँ पर लास्ट में देखेंगे तो आप गियर्स का यूज़ किया गया है। तो इससे आप समझ पाएंगे कि काफ़ी सारे स्क्रैप मटेरियल को यूज़ कर इन सब चीज़ों को बनाया गया है। तो कुतुब मीनार के पास में ही आपको कभी बैठने के लिए भी काफ़ी सारी जगह मिल जाएगी, इस तरह के जो बैठने की जगह बनाई हुई हैं। और इस साइड में भी काफ़ी सुंदर तरीके से डेकोरेट कर ब्यूटीफुल सा ये बेंचेस बनाई हुई हैं। इन बेंचेस पर भी आप कुछ समय के लिए यहाँ पर बैठ सकते हैं और बैठने के बाद में इंजॉय कर सकते हैं, फिर जो आगे का जो व्यू है उसको देख सकते हैं। तो अभी काफ़ी बेहतरीन व्यू लग रहा है। उस साइड में बैठने की जगह बनाई हुई है और आप देख पाएंगे तो कुछ लोग बाग यहाँ पर बैठे भी हुए हैं। उस साइड में भी आप देखेंगे तो कुछ लोग बाग बैठे हुए हैं। और नेक्स्ट मॉन्यूमेंट पर अब पहुँच चुके हैं, और ये मॉन्यूमेंट है नालंदा का। तो नालंदा का मॉन्यूमेंट आप देख पा रहे हैं किस तरह का दिखाई दे रहा है, और सामने ही आप इसकी डिटेल्स देख पाएंगे। तो इसमें भी आयरन कास्टिंग का यूज़ किया हुआ है, गैस कटिंग सीट्स का यूज़ किया हुआ है, एंगल्स का, आयरन रॉड्स का, और एंगल और पाइप्स का भी यूज़ किया हुआ है। तो इन सब चीज़ों को यूज़ कर इस ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट को बनाया गया है। पास से जाने की देखने की कोशिश करते हैं अभी किस तरह का इसका व्यू लग रहा है और कितना बेहतरीन यहाँ पर देखने के लिए लग रहा है। तो इवनिंग का वेट अभी, और उसके बाद में फिर जो आगे का जो व्यू है वो भी हम आपको दिखा पाएंगे। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं मीनाक्षी मंदिर में, जो कि मदुरई में स्थित है और एक द्रविड वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण है। काफ़ी ब्यूटीफुल मंदिर है और यहाँ पर भी आप काफ़ी सारे लोग बाग आकर सेल्फीज खिंचाते हैं, फोटोज़ खिंचाते हैं। अभी इवनिंग का समय हो चुका है, अप्रोक्स 6 बजने वाले हैं, और लाइट का इंतजार कर रहे हैं कि कब लाइट ऑन हो और यहाँ की जो सुंदरता है उसको हम देख पाएँ। तो अभी आगे के जो प्लेसेस हैं उनको एक्सप्लोर करते हैं और सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करते हैं। इस तरह के कुछ इंडिकेशंस भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, जिससे आपको बताया जाएगा कि किस साइड में कौन सा टेंपल देखने के लिए मिल जाएगा। तो सबसे टॉप में आप देख पा रहे हैं बद्रीनाथ टेंपल, द्वारकाधीश टेंपल और दीप स्तंभ, रामेश्वर टेंपल और जगन्नाथपुरी टेंपल। तो काफ़ी फेमस टेंपल हैं जो इंडिया के काफ़ी टॉप टेंपल्स में आते हैं, वो इस साइड में देखने के लिए मिलेंगे। तो चलो अभी चलते हैं, सारे टेंपल्स का विजिट आपको कराते हैं। अब हम भारत दर्शन पार्क के मेन सेल्फी पॉइंट एरिया में आ चुके हैं, जहाँ पर भारत दर्शन पार्क इतने सुंदर तरीके से लिखा हुआ है, और यहाँ पर कुछ लोग बाग फोटोज सेल्फीज वगैरह लेते हैं। तो काफ़ी अच्छा सेल्फी पॉइंट ये देखने के लिए आपको मिलने वाला है। तो दोस्तों शाम के हो चुके हैं 5:30, और 5:30 पर यहाँ पर लाइटिंग हो जाती है ऑन। और अभी हम पहुँच चुके हैं बद्रीनाथ धाम में। बद्रीनाथ धाम का टेम्पल आप पीछे दिखाई दे रहा है, और इसका एक ब्लॉग मैंने पहले से ही बनाया हुआ है, तो आप उसको भी वॉच कर सकते हैं। बद्रीनाथ धाम का काफ़ी खूबसूरत व्लॉग है, और अभी यहाँ का बद्रीनाथ धाम का दर्शन कराते हैं कि इस तरह की खूबसूरती यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। हल्की हल्की लाइट दिखाई दे रही है आपको, और ये बद्रीनाथ धाम का टेंपल की इमेज आपको दिखाई दे रही है। इससे आगे भी काफ़ी सारे मंदिर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। अभी जो आप मेरे सामने मंदिर देख पा रहे हैं ये है द्वारकाधीश मंदिर, और पत्ता का खूबसूरत सी
ऊपर लहरा रही है और ये मंदिर कृष्ण भगवान को समर्पित है। ब्लू कलर की लाइट जल रही है और कितना खूबसूरत अभी लाइट में डेकोरेशन यहाँ की लग रही है। तो इस तरह के जो मंदिर है इनको भी आप देख सकते हैं। और ये द्वारकाधीश मंदिर का इमेज दिखाई दे रही है और इस तरह का जो स्क्रैप के मेटल यूज़ किए हुए हैं, जिसमें टायर्स हो गया, एंगल्स आयरन रॉड्स हो गई, साइकिल पार्ट्स हो गए, सीट्स हो गई, गियर हो गया, तो इस तरह के स्पेयर पार्ट यूज़ कर ये द्वारकाधीश मंदिर का डिजाइन है ये बनाया गया है। काफ़ी खूबसूरत मंदिर है। आगे बढ़ते हैं अभी हैं तो ये है रामेश्वरम मंदिर और रामेश्वरम मंदिर में हल्की हल्की ब्लू कलर की जो जामनी कलर की जो लाइट जल रही है काफ़ी खूबसूरत बना रहा है। 12वीं शताब्दी में बनाया हुआ मंदिर है और काफ़ी खूबसूरत मंदिर है। तमिलनाडु में आप इस यहाँ पर आकर इस मंदिर को देख सकते हैं और कितना खूबसूरत मंदिर ये देखने में लग रहा है। तो यहाँ जो आप सामने देख पा रहे हैं यहाँ पर आपको सांची स्तूप, विक्टोरिया मेमोरियल, हम्पी और काफ़ी सारी चीज़ें जो देखने के लिए यहाँ पर इस साइड में देखने के लिए मिलेंगी। तो चलो अभी चलते हैं इस साइड में बाकी के जो बचे हुए मॉन्यूमेंट्स हैं उनको देखने के लिए। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं जगन्नाथपुरी टेम्पल पर और जगन्नाथपुरी टेम्पल काफ़ी फेमस टेम्पल है और उसी की शेप के हिसाब से ये टेम्पल स्क्रैप को यूज़ कर बनाया गया है। तो यहाँ पर भी आप 5 से 10 मिनट इन चीज़ों को देख सकते हैं। तो अभी जिस लोकेशन पर हम आ चुके हैं इसका नाम है सांची स्तूप और अलग अलग कलर की जो लाइट्स है वो आपको देखने के लिए मिल रही है। अभी रेड कलर की लाइट हुई है और अभी हल्की सी ब्लू कलर की लाइट हो गई है। तो इस तरह की जो लाइटिंग्स आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलती रहेगी। इस साइड में भगवान बुद्ध की प्रतिमा आपको देखने के लिए मिल जाएगी। बुक्स में आपने काफ़ी देखा हुआ सांची स्तूप के बारे में और अभी थोड़ी और लाइटिंग्स चेंज हो रही है। तो इस तरह की लाइटिंग्स का भी आप यहाँ पर आकर इन्जॉय ले सकते हैं। बिल्कुल लाइट गायब हुई है, अब लाइट दूसरी चेंज होगी। अभी हम आ चुके हैं यहाँ के कैफेटेरिया में और यहाँ पर साफ साफ मेंशन है आउटसाइड फूड नॉट अलाउड। तो अपने घर से अपना फूड वगैरह आप यहाँ पर नहीं ला सकते। और ये सारा जो कंप्लीट एरिया आप देख पा रहे हैं ये यहाँ का कैफेटेरिया है, लोग बाग खाना खा रहे हैं। और ये भी यहाँ का जो कैफेटेरिया है ये भी पूरा स्क्रैप से बना हुआ है। ये कम्प्लीट जो एरिया आप देख पा रहे हैं सारा स्क्रैप से बना हुआ है। और यहाँ पर आपको चांदनी चौक के आइटम्स देखने के लिए मिल जाएंगे, दही बल्ले, जलेबी और जो हर तरह का जो आइटम्स है वो आपको देखने के लिए यहाँ पर मिल जाएगा। गर्मा गर्म सामान यहाँ पर बन रहा है तो इस तरह का सामान आप ले सकते हैं यहाँ से और खा सकते हैं। अब जिस मॉन्यूमेंट को आप देख पा रहे हैं इसका नाम है हम्पी रथ और यह भी रात की रोशनी में काफ़ी खूबसूरत दिखाई दे रहा है। अब हम आ चुके हैं आगरा के ताजमहल में और आगरा का ताजमहल भी काफ़ी खूबसूरत देखने में लग रहा है। रोशनी चारों साइड में दिखाई दे रही है और काफ़ी ब्यूटीफुल ताजमहल यहाँ पर देखने के लिए आपको लग रहा है। आगे आप देख पाएंगे चार मीनार, कोणार्क टेम्पल, अजंता एलोरा की गुफाएं, खजुराहो टेम्पल और फिर आपको एग्जिट हो पाएगा। तो अभी आप देख पा रहे हैं चार मीनार जो कि हैदराबाद में काफ़ी फेमस है, रंग बिरंगी है और काफ़ी सुंदर देखने में लग रही है यहाँ पर। अभी हम भारत दर्शन पार्क के लास्ट मॉन्यूमेंट पर आ चुके हैं जो है खजुराहो का मंदिर और पीछे की साइड में खजुराहो का मंदिर है। बड़ा ही ब्यूटीफुल लग रहा है, लाइटिंग हो रही है और कलरफुल लाइटिंग है, अलग अलग तरह की लाइट चेंज हो रही है। तो अभी हम इसका व्यू दिखाते हैं आपको, किस तरह का व्यू आपको देखने के लिए मिल रहा है। बड़ा ही ज़बरदस्त नज़ारा और व्यू आप देख पा रहे हैं। अभी रेड कलर की लाइट जल रही है, फिर लाइटिंग्स यहाँ पर चेंज होगी और ये खजुराहो का मंदिर का डिटेल्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। तो सारा स्क्रैप से बना हुआ है, साइकिल चेन, एंगल्स, बाइक इंजन, क्लच प्लेट, कंस्ट्रक्शन रॉड और पाइप से बना हुआ है। और ये खजुराहो का मंदिर आप देख पा रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें आप यहाँ पर आपको ऊपर देखने के लिए मिलने वाली है। तो दोस्तों फाइनली भारत दर्शन पार्क का व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। इसी तरह के काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए कीप वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। और पीछे का जो व्यू आप देख पा रहे हैं काफ़ी बढ़िया सेल्फी पॉइंट है। जैसे ही आप एग्जिट करेंगे यहाँ से तो इस तरह का जो सेल्फी पॉइंट आपको देखने के लिए मिल जाएगा।